का स्वागत है ऑब्ट्यूज़र्स पे। तो आज हम लोग बीए साइकोलॉजी के एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए इस बार क्या सिलेबस होने वाला है सीयूईटी 2022 के लिए हम पूरा इसको डिटेल में डिस्कशन करेंगे। स्पेशली हम डोमेन सब्जेक्ट को डिस्कशन करने जा रहे हैं, यानी आपको साइकोलॉजी में क्या क्या जो है टॉपिक्स पूछे जाएंगे उसको हम देखेंगे, ठीक है। और हम लोग को पता है कि आपका एग्ज़ामिनेशन का 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। 50 क्वेश्चंस आपके जो है जनरल अवेयरनेस, ठीक है, रीजनिंग, ये सब से आएंगे, और 50 क्वेश्चन आपके डोमेन सब्जेक्ट से रहेंगे। तो बेसिकली हम डोमेन सब्जेक्ट का जो आपका सिलेबस है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि जो डोमेन सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन आने वाले, जिसमें 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब इसमें साइकोलॉजी के कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले उसको हम देखेंगे। तो यूनिट फर्स्ट हमारा है वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो उसमें देखेंगे हम लोग जो है आपका इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग, असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, इंटेलिजेंस, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन इंटेलिजेंस, थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस पेपर में पूछता है किसके द्वारा कौन सी थ्योरी दी गई है, कल्चरल इंटेलिजेंस, स्पेशल एबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड में आपका नेचर उसका आएगा, मेजरमेंट किस तरीके से करते हैं, क्रिएटिव एंड इमोशनल इंटेलिजेंट भी आपके पेपर के एस्पेक्ट से इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा है सेल्फ एंड पर्सनालिटी। इसमें बेसिकली आपका जो पर्सनालिटी का असेसमेंट है, ठीक है, द असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी हमें देखना होगा, सेल्फ स्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन, ये आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। कल्चर एंड सेल्फ कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, मेजर अप्रोचेस इसमें भी टाइप एंड ट्रेड थ्योरीज जो दी गई हैं आपके, साइकोडायनामिक ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है आपका, ठीक है, मैस्लो का, ठीक है, इन सबको देखना पड़ेगा, रोजर्स का, बिहेवियरल कल्चरल असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी, सेल्फ रिपोर्ट मेजर एंड बिहेवियरल एनालिसिस एंड प्रोजेक्टिव मेजर्स, जो डिफरेंट प्रोजेक्टिव मेजर्स है, कैसे हम पर्सनालिटी को मेजर्स करते हैं, मेज़र किया जाता है, आप लोग अलग अलग टेस्ट पढ़े होंगे उसको भी आप लोग कवर करेंगे। ये आपके पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है कि कौन सा टेस्ट किसके द्वारा जो है दिया गया है। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस, इसमें देख लेते हैं, दिस यूनिट डील्स विद द नेचर ऑफ स्ट्रेस, हाउ रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन द इंडिविजुअल अप्रेजल ऑफ स्ट्रेसेस, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे स्ट्रेटजीज टू कोप विद स्ट्रेस, यानी हम कैसे डिफरेंट मैकेनिज्म अपना के हम स्ट्रेस से कोप करते हैं। हम लोग ने पढ़ा, आपने पढ़ा होगा कि आप लोग डिफेंस मैकेनिज्म अपनाते होंगे, अलग अलग है, तो वो सब आपको देखना है। नेचर, टाइप्स एंड सोर्स ऑफ स्ट्रेस, क्यों हमें सोर्स, किस सोर्स से हमें स्ट्रेस होता है, इफ़ेक्ट्स ऑन साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, कोपिंग विद स्ट्रेस, हम कैसे कोप अप करते हैं उससे, एंड प्रोमोटिव पॉजिटिव एंड आपका अलग से जो है वेलबींग है, ठीक है, ये आपको तैयार करके जाना है। स्पेशली हम कैसे कोप अप करते हैं वो वाला टॉपिक आप ज़रूर कवर कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इस यूनिट में हमें कॉन्सेप्ट ऑफ एबनॉर्मलिटी, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो है आपके एबनॉर्मल जो है बिहेवियर, जैसे डिसऑर्डर्स हो गए, एंजाइटी हो गया, सोमैटिक हो गया, डिसोसिएटिव मूड है, ठीक है, तो ये सब हमें पढ़ के जाना है, पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपका ये टाइप्स, ओके। डेवलपमेंटल एंड बिहेवियरल सब्सटेंसेस यूज़ रिलेटेड, ये भी आपको देख के जाना है। अब हम लोग आ जाते हैं थेरेप्यूटिकल अप्रोचेस में, ठीक है, थेरेपी के बारे में देखेंगे, द नेचर एंड प्रोसेस ऑफ थेरेपी, आपका थेरेप्यूटिकल रिलेशनशिप, टाइप्स ऑफ थेरेपीज, साइकोडायनामिक, ह्यूमनिस्टिक, कॉग्निटिव, बिहेवियर एंड बायोमेडिकल, अल्टरनेटिव थेरीज, जैसे आपके होते हैं थेरेपीज होते हैं, जैसे योगा हो गया, मेडिटेशन हो गया, रिहैबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल, जो ये सारी चीज़ें हैं आपको ये भी देख के जाना है। एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें हमें एक्सप्लेन करना है सोशल बिहेवियर, ठीक है, हम इसमें देखेंगे आपका सोशल बिहेवियर, इम्प्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ एक्सप्लेनिंग बिहेवियर, अदर थाट्स और ट्रिब्यूट्स, सोशल कॉग्निशन, स्कीमा, स्टीरियोटाइप, नेचर, कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड्स, एटीट्यूड फॉर्मेशन, चेंज बिहेवियर इन प्रेजेंटेशन ऑफ अदर्स, एंड प्रो सोशल बिहेवियर, प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजीज फॉर हैंडलिंग प्रिजुडिस, किस तरीके से हम जो है जो प्रिजुडिस होता है उसको कैसे स्ट्रेटजी से हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें हमें देख के जानी है, जो हमारे एट्रीब्यूट्स एंड सोशल कॉग्निशन में आता है। नेक्स्ट हमारा है सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेस, तो इसमें हमें क्या देख के जाना है,
द डायनेमिक ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस ऑन कन्फॉर्मिटी ओबीडियंस कंप्लाइंस एंड डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज विल ऑल्सो बी डिस्कस. तो आपको कन्फर्मिटी ओबीडियंस कंप्लाइंस कॉपरेशन कॉम्पिटिशन नेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप टाइप्स ऑफ ग्रुप सोशल आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप एंड इंडिविजुअल बिहेवियर को पढ़ के जाना है. ओके नेक्स्ट हमारा है इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन स्ट्रेटजीज. कैसे कॉन्फ्लिक्ट्स होता है और उसको कैसे रिजोल्यूशन करना होता है ये भी आपके सिलेबस में है तो उसको भी पढ़ के जाना है. नेक्स्ट हमारा है साइकोलॉजी एंड लाइफ. ठीक है साइकोलॉजी और लाइफ में क्या है देख लेते हैं. तो इसमें ह्यूमन एनवायरमेंटल रिलेशनशिप एनवायरमेंट इफेक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर नॉइज़ पोल्यूशन क्राउडिंग अदर नेचुरल डिज़ास्टर है. प्रमोटिंग प्रो इन्वायरमेंटल बिहेवियर साइकोलॉजी अब सोशल कंसर्न जैसे एग्रेशन हो गया वायलेंस हो गया पीस हो गया डिस्क्रिमिनेशन पॉवर्टी हेल्थ इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बींग कैसे इम्पैक्ट करता है ये. ठीक है टेलीविज़न ऑन बिहेवियर ये भी आपका सिलेबस में है तो इसको भी आपको कवर करना है. नेक्स्ट हमारा है डेवलपिंग साइकोलॉजिकल स्किल. तो इस यूनिट में हमें जो पढ़ के जाना है वो हमारा साइकोलॉजिकल स्किल जैसे ऑब्जर्वेशन स्किल वेरी इंपॉर्टेंट. आपका है इंटरव्यूइंग स्किल टेस्टिंग स्किल काउंसलिंग स्किल वेरी इंपॉर्टेंट. कभी कभी आपका जो है किस तरीके से काउंसलिंग होता है वो भी पूछ सकता है. एम्पैथी ठीक है ऑथेंटिसिटी पॉजिटिव रिगार्ड कम्युनिकेशन स्किल लिसनिंग दीज आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. तो आपको ये भी कवर करना है आपके बीए साइकोलॉजी अगर आप ऑनर्स के रूप में जो है चूज़ करने वाले हो तो ये पूरा सिलेबस आप जो है कवर करोगे जिसको कि आप डोमेन सब्जेक्ट में देखोगे. डोमेन सब्जेक्ट में आपके ये सारे क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाएंगे क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं डोमेन सब्जेक्ट के. और तो आप लोग प्लीज़ इस वाले सिलेबस को देख लीजिएगा एक बार और से और कवर कर लीजिएगा जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है. अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा. एंड प्रिपेयरिंग हार्ड फॉर योर एग्ज़ाम एंड एकदम क्रैक करके आइए. ओके बाय बाय टेक केयर.